वेलकम टू पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुगलारा गेट। ओ भाई साहब, अरे यार ये क्या ड्रामा है, आगे से रास्ता बंद है। क्या कह रहा भाई है, पूछे जरा इससे। हाँ जी भाई, पता ही नहीं मुझे, मैं नहीं आया हूँ। इधर से देख लो एक बार, इधर से निकल जाएगी क्या। यहाँ से देखते हैं कि रास्ता है नहीं। ये किस चीज़ के पेड़ है भाई, देख लो कहाँ कहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर से है रास्ता, तो यहाँ पर बीच में जो है ये एक कट वगैरह था, यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखा है। और ये देखो भाई, बिल्कुल ही सुनसान एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया। वो लोग तो बैक चले गए, उनकी गाड़ी वगैरह नहीं निकलेगी यहाँ से, लेकिन हम चलते हैं अपने सफ़र पे आगे की तरफ। भाई साहब ये कैसा एरिया, मतलब यहाँ तो कोई एक आदमी भी नहीं दिख रहा, और ये किस तरह के पेड़ है बैंक पर, मतलब यहाँ पे डर लग रहा है कि कोई जानवर वगैरह ना हो। प्योर जंगली एरिया है, वाइल्ड एरिया। बात फैसिलिटी का कोई ऐसा पता नहीं, दूर दूर तक कहाँ पर है, आगे तक दिख रहा है। इस वजह से पूछते हैं बात की लड़ी जा रहा ना भैया के। ये जंगल है पूरा, ये रास्ता कैसे बंद है यहाँ से, रास्ता बंद है ना इधर से। अच्छा खुद ही किया, वैसे निकल जाएगा ना यहाँ से। थैंक यू भाई, ठीक है ओके। तो आगे से जा रहा है रास्ता, चलते हैं। ओ भाई आगे व्यू देखो, यहाँ से दिखने लगा वो पूरा डैम है आगे की तरफ, और ये पीछे था जंगली इलाका। ये है अभी लोकेशन जो है, वो है बाथरूम की लड़ी। यहाँ पर जो है आगे पांडव आए थे अपने टाइम पर, और उन्होंने जो है यहाँ पे टेंपल बनाए थे। तो डैम एरिया भी है यहाँ पर, और साइड में देखो आप ये गेहूँ दूर के हैं। देखो भाई सब क्या सुविधा आ रही है, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक ये प्लेन एरिया है, उसके चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, और सामने की तरफ मिलेगा डैम है। तो ये है बाथरूम की लड़ी, थोड़ा सा नीचे ये धर्मशाला से। एक दोस्त जो था उसने बताया मुझे कि अगर यहाँ पे जा रहे हो तो भाई यहाँ तक आयो धर्मशाला तक, तो बाथरूम की लड़ी होकर जरूर जाना। ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है बाथरूम की लड़ी। ये देखो कितने सेक्सी लग रहे हैं भाई, यहाँ पे तो वीडियोस बन रही है भाई, शानदार। ओ भाई साहब, ये पूरे गेहूँ जो है ये पूरे पक चुके हैं, और कटाई वगैरह मांग रहे हैं। सामने है डैम यहाँ पर, मज़ा आ गया यार, मतलब क्या फील आ रही है यहाँ पे। मतलब इस तरह की जगह पे मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ, मतलब कहीं पे दोनों साइड प्लेन एरिया और सामने की तरफ जो है अपना डैम, और लेफ्ट एंड राइट साइड पे दूर दूर पे पहाड़ी। देखो वो है शायद टेंपल वहाँ पर। तो ये भाई यहाँ पर गेहूँ काट रहे हैं लोग, ये शायद किसानों की ज़मीन है यहाँ पर जो लोकल के हैं। कच्चा रास्ता है यहाँ पर बिल्कुल, आराम से चलना है बहुत ही, मतलब ये डिफरेंट टाइप की लोकेशन है, अलग है बिल्कुल। और यहाँ पर जो टेंपल है वो बताते हैं कि मतलब जब यहाँ पे बारिश वगैरह आती है और डैम पानी भर जाता है, मतलब उस टाइम पर जो है वो टेंपल पूरा डूब जाता है। उसकी फ़ोटो वगैरह जो है वो डालूंगा मैं उस पर, वीडियो में दिखा दूंगा आपको। यहाँ से दिख रहे हैं, मतलब अगर आपको वीडियो में दिख रहे हो तो। ये देखो भाई कई किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है पूरा, ये ऐसा लग रहा है भाई कहाँ लद्दाख में जा रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो एक वीडियो बननी चाहिए, एक वीडियो करता हूँ शूट। ओ भाई जाओ, हाँ अब करते हैं वीडियो शूट। शानदार जगह भाई, मज़ा आ गया भाई साहब। दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ना कोई दुकान मिलेगी आपको, और ना ही यहाँ पर कोई घर वगैरह। और ये देखो छोटे छोटे रास्ते अलग कटे हुए हैं, ये फ़ोन मैंने रख लिया है अपना अंदर, और गेट ऑन करते हैं एंड लेट्स गो। यहाँ पर पानी वगैरह भर जाता होगा, मतलब बारिश वगैरह के टाइम पे यहाँ पर पानी भर जाता होगा। और मैं देखता हूँ ये तो आगे रास्ता बंद, इधर से चलते हैं। और टेंपल कहाँ से है यहाँ पे, टेंपल का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ पे, किधर की साइड से है।
बाइक तो चल जाएगी। खैर पेट्रोल अभी तो खैर उधर में नहीं लगा, यहाँ पे रोकता हूँ ज़रा देखता हूँ। तो अभी हमें जाना है वहाँ पर उस लोकेशन पर, और यहाँ से रास्ता है थोड़ा छोटा सा, लेकिन पीछे से मैप में दिखा रहा है जहाँ से वो गाड़ी आ रही है, तो वहाँ से बैक लेके उधर से जाना पड़ेगा। चलते हैं दोबारा, यहाँ से थोड़ा सा आगे आ गया मैं, तो बाइक करते हैं स्टार्ट। एंड कितने सारे गेहूँ बो रखे हैं भाई यहाँ, मतलब कई किलोमीटर के एरिया में गेहूँ है, और पूरी मतलब लद्दाख वाली फील आ रही है यहाँ पे, मतलब पूरा प्लेन एरिया और दूर दूर थोड़ी थोड़ी पहाड़ी, ये मिनी लद्दाख कह सकते हैं ऐसे। बारिश के टाइम पे तो यहाँ पानी वगैरह भर जाता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डैम है ना साइड में, ये देखो ये यहाँ पर पानी वगैरह भरता होगा यहाँ पर। यहाँ से हमें राइट लेना है, किसकी होगी भाई साहब इतनी ज़मीन है, हर जगह गेहूँ को रखा है, यहाँ से गेहूँ मिलेगा आपको, अलग ही फील आ रही है भाई साहब। वर्थ इट हो गया यहाँ पे आना, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वहाँ आगे कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुश्किल ही मिलेगा कोई। गाड़ी वगैरह तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, अगर ऐसी हुई गाड़ी है तो आ जाएगी, अभी पीछे सेडान थी ना वो, तो सेडान गाड़ी तो यहाँ पे आनी दिक्कत हो जाएगी, उसका आगे बोनट वगैरह हट जाएगा। तो SUVs आ जाएंगी यहाँ पे गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक भी आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेडान अगर गाड़ी है तो मुश्किल हो जाएगी। अब किधर जाना मुझे, इधर तो बंद कर रखा है उन्होंने, इधर जाना है या इधर जाना है, इधर जाना है, इधर चलते हैं, लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है। ये आ गए हैं, ओ भाई साहब क्या नज़ारा दिख रहा है, दूर से नज़ारा दिख रहा है, बहुत शानदार है। तो आगे पूरा डैम है पूरा का पूरा, यहाँ से रास्ता है क्या वहाँ जाने का, कुछ गाड़ी वगैरह तो वहाँ पे है, बोर्ड वगैरह तो नहीं लगानी चाहिए ना कि किस डायरेक्शन जाना है, इतना बड़ा प्लेन है कहाँ से कहाँ जाएगा आदमी। ये देखो, ओ भाई साहब वो है टेंपल, देखो अभी पानी में डूबा हुआ है टेंपल सारे को, क्या इसका बज रहा है यार कुछ आगे का बाइक में इसका। ये है भाई साहब वो टेंपल, और जो कि बहुत पहले बनाए गए थे यहाँ पर, और अभी फ़िलहाल वो पानी में डूबे हुए सारे। टूरिस्ट वगैरह उधर की साइड है यार, मैं इधर की साइड कैसे आ गया, कहाँ से होगा रास्ता जाने का। चलो इस पर चलते हैं आगे की तरफ, ये बाइक खड़ी है किसी की, मज़ा आ रहा है भाई साहब यहाँ पे तो, मतलब अलग ही फील है, बिल्कुल अलग ही तरह की लोकेशन है बिल्कुल। बाइक तो आगे में खड़ी है, तो ये मेरी बाइक में क्या बज रहा है आगे, आवाज़ कर रही है कुछ, क्लोज व्यू आएगा इधर से, सही जगह से आया हूँ बिल्कुल, मैं इधर की साइड से क्लोज व्यू आएगा भाई साहब, रील बनाता हूँ। शानदार यार मज़ा आ गया, मतलब गियर डाउन। यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, ये देखो भाई पूरा आगे की तरफ है ना सारा डैम मिलेगा आपको यहाँ पर। ये है भाई वो टेंपल जो अभी भी पूरा जो है पानी में डूबा हुआ है, और आगे की तरफ यहाँ पे अगर जाना होगा तो वो बोट से जा सकते हैं। मैं लगाता हूँ बाइक बिल्कुल आगे की तरफ, मज़ा आ गया भाई साहब, बाइक बिल्कुल वहीं लगाऊंगा मैं भी। ओ भाई ओ भाई, तो ये है भाइयों बाथू की लड़ी, और वो है वहाँ पर टेंपल जो कि अभी पानी में डूबे हुए हैं, पानी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। और वहाँ पर उस जगह जाना था असल में मुझे, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह हो रखी है, और टूरिस्ट मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो वहाँ पर है, लेकिन रास्ते में मुझे पता नहीं चला कि इधर से मुड़ना था, तो मैं आ गया हूँ इधर की साइड। खैर ये जो है ये लोकेशन फ़िलहाल इधर वाली वो बिल्कुल पास है टेंपल के, और टेंपल ये बहुत ही ज़्यादा विंटेज है, मतलब बहुत पुराने हैं ये, तब पांडवों के टाइम पे बने थे उन्होंने ही बनाए थे यहाँ पर। और स्वर्ग की सीढ़ी भी करके है यहाँ पे कुछ, मतलब स्वर्ग की सीढ़ी उन्होंने बनाई थी और वो आधी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो वो स्वर्ग की सीढ़ी भी यहाँ पर है। टेंपल में जाने के लिए तो बोटिंग करनी पड़ेगी, और बोटिंग जो है वहाँ से होगी, तो वहाँ पर जाता हूँ पहले मैं और बोटिंग वगैरह भी करता हूँ। ये देखो भाई यार क्या मज़ा आ गया, मतलब शानदार जगह है बिल्कुल, वर्थ इट है यार यहाँ पर आना। पानी देखो भाई साहब कितना क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बीच वाली वाइब आ रही है, मतलब यहाँ पर तो मछली वगैरह तो इसमें है नहीं, और आगे सोचो कि कितना गहरा होगा वहाँ पर, ये आगे जाके कितना गहरा होगा, पूरा डैम है ये, और बारिश के टाइम पे इसमें है ना पानी ऊपर तक भर जाता होगा यहाँ तक, मतलब जो बताते हैं। और ये जो पूरे टेंपल है ये पूरे ऊपर तक डूब जाते हैं, सिर्फ एक जो है वो दिखता है थोड़ा बहुत, तो बारिश के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। चलते हैं भाइयों आप उधर की तरफ चलते हैं दोबारा घूम के, और वहाँ पर जाके बोटिंग करके सीधा जाएंगे टेंपल के अंदर।
लेट्स गो। ओ भाई स्लिप हो गई बाइक, भाई स्लिप हो गई पत्थर पे। ओ भाई यहाँ पूरी रोड ही पड़ी हुई है। खैर लेग गार्ड लगा हुआ है इसमें, तो लेग गार्ड का मेन सपोर्ट है, आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। फ़ोन भी गिर गया मिट्टी में, सारा मिट्टी में हो गया। तो मुझे जो वो पॉइंट था इधर की साइड जाना था, चलते हैं इधर की साइड ही। तो गतिकी बहुत ज़्यादा लग रही है और बाइक मेरी आगे से थोड़ी आवाज़ कर रही है अभी, बात भी लटी आना और मज़ा आ गया। मतलब वहाँ पता लगी हुई हमारी है। टेम्पल में चलते हैं अभी, टेम्पल में बीच को बीच में जाके देखते हैं क्या फील आती है। बहुत ही कम टूरिस्ट है, लिमिटेड लोगों को इस जगह के बारे में पता है, तो यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से कम ही आते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इधर से जाना। लेट्स गो फ्रॉम हियर। नो 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 नो, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज गोइंग समवेयर एल्स, सो वी हैव टू गो फ्रॉम हियर। यार पेट्रोल ख़त्म हो जाए मेरा भाई साहब, पेट्रोल पम्प बहुत दूर है वहाँ से। अभी रिजर्व में तो खैर रखी नहीं, रिजर्व का टैंक इसका बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब आ चुके हैं हम दूसरी साइड। ओ भाई साहब ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गिद्ध बैठा है यहाँ पे भाई साहब पीछे की साइड, इसे देखने के दिक्कत ना, बाइक भी टेढ़ी हो गई। एक हादसा चला रहा ना, दिक्कत ही है ना, एक हादसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। क्लच गियर डाउन एंड लेट्स पार्क द बाइक हियर। हाँ जी मंदिर जाना, कितने का बोटिंग का कितना है? एक ही हो। हाँ जी अकेला हूँ भाई, एक पर्सन एक का सौ लगेगा।